नमस्कार दोस्तों, मैं जी कृष्णा चौहान आपका हकेनकुरे सॉफ्टटेक में स्वागत करता हूँ। तो अभी वर्तमान समय में जो हम अपने सिस्टम या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो कंप्यूटर हमारे लेटेस्ट कंप्यूटर हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा से ऐसी हो, इनमें धीरे धीरे करके चेंज आया है। तो पहली जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन तक किस तरह इन कंप्यूटर्स में चेंज आया, कैसे एक वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटर से एडवांस कंप्यूटर बने, इसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए जो हमारा पहला कंप्यूटर था वो था अबेकस और चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। अब जो चार्ल्स बेबेज का कंप्यूटर था वो कंप्यूटर था मैकेनिकल कंप्यूटर, यानी कि उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ नहीं थी। और अब हम यहाँ पर जिन कंप्यूटर्स की बात करने वाले हैं वो सारे कंप्यूटर हमारे डिजिटल कंप्यूटर, दैट मीन इसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई थी। तो सबसे पहला कंप्यूटर जो था हमारा, उसमें जो हमारे कंपोनेंट्स यूज़ हुए थे वो हुए थे बेसिकली वैक्यूम ट्यूब और स्टोरेज डिवाइस के लिए कुछ अलग चीज़ें। और इसकी जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो था 1940 से 1956। तो जो हमारा पहले कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई थी, ये हमारी काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती थी, और इसमें जो मैग्नेटिक ड्रम यूज़ किए जाते थे मेमोरी के लिए। मैग्नेटिक ड्रम की मेमोरी कैपेसिटी काफ़ी कम होती है, बहुत बहुत कम, बट काम चलाने के लिए हमने तब इसी को ही एज अ मेमोरी यूज़ किया था। और ये कंप्यूटर इतना बड़ा था जितना ये कमरा, आप इसकी इमेजेस को देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मैं पहला कंप्यूटर शो कर रहा हूँ जिसमें कि एक बंदा आप देख पा रहे हैं ऑपरेट कर रहा है। 6 से 7 एसी लगा रहते थे इसमें, जिससे कि ये हीट इसकी एब्जॉर्ब होती रहे। तो कुल मिलाकर जो आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, आपके मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करता था, प्रोग्राम लिखने वाला पर्टिकुलर एक ही बंदा होता था, वही इसका प्रोग्राम लिख सकता था और वही इसका आउटपुट ले सकता था। तो कुल मिलाकर ये कंप्यूटर बहुत एक्सपेंसिव थे, बहुत इसमें टाइम लगता था आपका आउटपुट आने में। आउटपुट इसका पंच कार्ड पर आता था, उसे पढ़ने वाला भी एक अलग ही स्पेशल बंदा होता था। बहुत ज़्यादा हीट होती थी, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता था, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, मेमोरी काफ़ी कम थी, प्राइस बहुत हाई था। तो कुल मिला के ये सब इसमें फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में प्रॉब्लम्स थी। तो इन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारा सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स आए। जो हमारे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे ये 1956 से 1963 तक रहे। तो अब आइए बात करते हैं सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के। जो हमारे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं, इन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाने लगा। किसका? ट्रांजिस्टर्स का। तो बेसिकली ट्रांजिस्टर का साइज़ जो होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है एज़ कंपेरिजन टू वैक्यूम ट्यूब, और ट्रांजिस्टर आपकी जो एनर्जी कंज्यूम करता है काफ़ी कम करता है और आउटपुट आपका प्रोवाइड करता है। तो ट्रांजिस्टर के यूज़ होने से आपके कंप्यूटर का साइज़ हो गया काफ़ी कम, और इस तरह हमारे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की इवोल्यूशन हुआ। और बेसिकली जो भी हमारा सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था ये हमारी बाइनरी मशीन लैंग्वेज को समझने लगा, यानी कि हमारे 0 और 1 पर काम करने लगा। और बेसिकली कोबोल और फॉरटेन इस तरीके के हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी इस सेकेंड जनरेशन में डेवलप होने लगी। तो कुल मिलाकर जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनसे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हर क्षेत्र में ज़्यादा बेहतर हुए, चाहे वो एनर्जी कंज्यूमिंग हो या फिर आपकी मेमोरी स्पेस को कुछ भी चीज़ को स्टोर करने के लिए। तो जो मेमोरी थी, मेमोरी की कैपेसिटी इस सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में इंक्रीज़ हुई एज पर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये से भी था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड था वो था 1964 से 1971 तक का, और इस टाइम पीरियड में हमारे कंप्यूटर लाइन में काफ़ी ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई, डेवलपमेंट ज़्यादा था। सबसे पहले हम वैक्यूम ट्यूब यूज़ कर रहे थे, उसके बाद हमने यूज़ किए ट्रांजिस्टर को, अब यहाँ पर हमारी आईसी सर्किट्स यूज़ होने लगे। आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, और इंटीग्रेटेड सर्किट तो साइज़ में आपको पता ही है बहुत ज़्यादा छोटा होता है एज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स।
तो दोस्तों, जैसा आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक AMD का माइक्रो प्रोसेसर रखा हुआ है। तो फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड थे। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है कि काफ़ी सारी जो ICs होती हैं उसको एक छोटी सी सिलिकन चिप में किस तरीके से बिल्ड किया जाए, यही आपकी टर्मिनोलॉजी आपका माइक्रो प्रोसेसर कहलाती है। तो माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 उस वक्त डेवलप कर दिया गया था 1971 में, किसके लिए? हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के लिए। और भी बहुत से माइक्रो प्रोसेसर जैसा इंटेल 8088, 8008, इस तरीके से काफ़ी सारे माइक्रो प्रोसेसर हैं, 8085, 8086, जो कि हमारे उस समय पर माइक्रो प्रोसेसर काम आए थे कैलकुलेशंस के लिए, कंप्यूटर के लिए। तो एक माइक्रो प्रोसेसर से हमारा CPU, मेमोरी और इनपुट आउटपुट का सारा कंट्रोल, सब कुछ हमारा माइक्रो प्रोसेसर से कंट्रोल होने लगा। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के समय हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी कि GUI का डेवलपमेंट, माउस और ये सभी की सभी डिवाइसेस जो हैं इनका प्रोसेसिंग और डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका था। तो ये था हमारा फोर्थ जनरेशन। अब आगे बात आती है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की, जो कि प्रेजेंट से आगे तक चलने वाला है। तो फिफ्थ जनरेशन का जहाँ ही नाम आ जाता है वहाँ हमको याद आती है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर की जो भी डिवाइस थी वो AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर है। हम अभी भी जैसे डेवलपमेंट आप देख पा रहे हैं, आप वॉइस रिकॉग्निशन देखते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में, तो ये सभी हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। हम इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि न्यूरॉन्स यूज़ करते हैं। देखिए, दो तरीके के न्यूरॉन होते हैं, एक तो बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं, और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल न्यूरॉन जो कि हमारे सिस्टम में होते हैं। वो 100% बायोलॉजिकल न्यूरॉन की तरह काम कर नहीं सकते वो, बट उनकी ट्रेनिंग होती है, वो भी दो तरीके की होती है, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज। तो ये पार्ट में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो लेक्चर्स के टाइम कवर करूँगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हमारा पैरेलल प्रोसेसिंग और सुपर कंडक्टर्स यूज होते हैं, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करते हैं। और जो बेसिक गोल है हमारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटिंग का वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। और इसका बेसिकली ये काम है कि आपका जो भी यूज़र है वो इनपुट दे अपना नेचुरल लैंग्वेज में, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, और जो सिस्टम है वो कैपेबल हो उसको समझने में और उसको ऑर्गेनाइज करके उसका आउटपुट देने में। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में क्या क्या अंतर आए। हमने देखा कि स्पेस कम हुआ है, एनर्जी कम लगती है, मेमोरी अब आपको ज़्यादा मिल रही है, आपको फास्ट एक्सेस मिल रहा है, और भी काफ़ी सारी खूबियाँ आपने अब अपकमिंग सिस्टम्स में देखेंगे। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, आप इस पर कमेंट कर सकते हैं अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस वीडियो के नोट्स चाहते हैं, यानी कि अगर आपको इस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के नोट्स चाहते हैं, तो आपको ये नोट्स hakinkuresoftech.blogspot.in मेरे ब्लॉग पर मिल जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।